हेलो गाइस, वेलकम टू टेक डेज। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन बेसिक्स के ऑन ईयर हेडफोन्स की। बॉक्स में आपको मिलते हैं हेडफोन्स और साथ में एक कैरी बैग। तो ये अच्छी बात है कि एक कैरी बैग इन्होंने दिया है जिसमें आप अपने हेडफोन्स को स्टोर कर सकते हैं और डस्ट वगैरह से आप इसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है इसका डिज़ाइन, काफ़ी लाइट वेट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपने सोनी के हेडफोन्स के साथ तो आप देख पाएंगे कि काफ़ी छोटे हैं इसके ईयर कप्स और थोड़ा हल्का भी है। ईयरपैड्स की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट हैं और वेल कुशन्ड हैं। इसके अलावा जो हेडबैंड है इन्होंने वहाँ पर भी कुशनिंग दे रखी है। इसके अलावा जो ईयर कप्स हैं ये स्विवल हो जाते हैं, तो आप इनको फ्लैट रख सकते हैं और कैरी करने में काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप सूटकेस में इनको कैरी करते हैं या अपने लैपटॉप बैग में तो काफ़ी आसानी से आप इनको कैरी कर सकते हैं। वायर की लेंथ जो है वो 4 फीट है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी डिसेंट है। इसके अलावा आप जो ईयर कप्स हैं इनको आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो हालांकि हेडफोन्स काफ़ी लाइट वेट हैं पर बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ी सी हल्की लगी। ये जो ब्लू कलर है ये रियल लाइफ में थोड़ा सा मुझे चीप लगता है। इतना भी बुरा नहीं है पर अगर ये ब्लैक होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। मैंने ब्लैक लिया नहीं, मैंने ब्लू लिया। एक बात और आपने शायद नोटिस की होगी कि यहाँ पर अमेज़ॉन ने कोई ब्रांडिंग नहीं दे रखी ईयर कप्स के ऊपर। वैसे जो दूसरे हेडफोन्स होते हैं वहाँ पर कंपनी की ब्रांडिंग होती है, सोनी, बोट, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्रांडिंग देनी चाहिए थी इन्हें। अब बात करते हैं इनकी साउंड क्वालिटी की। तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बेस काफ़ी डिसेंट है, कुछ गानों में बहुत अच्छा सुनाई देता है। हालांकि ये एक्स्ट्रा बेस हेडफोन्स नहीं है पर फिर भी कुछ गानों में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना कि बेस बूम 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 बूम, ऐसा कुछ नहीं है पर फिर भी डिसेंट है। मिड रेंज की बात करें तो साउंड क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, वोकल्स काफ़ी अच्छे से सुनाई देते हैं। ट्रेबल भी ठीक है, कई जगह मुझे लगता है थोड़ा सा शार्प हो गया है। ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है इन हेडफोन्स की। इसके अलावा मैंने इनको काफ़ी लाउड भी सुना है जितना मैं सुन सकता था, तो मुझे कोई डिस्टॉर्शन सुनाई नहीं दी है। तो ओवरऑल जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो अच्छी है। कंफर्ट लेवल की बात करें तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, क्योंकि कुछ हेडफोन्स अगर मुझे अच्छे लगेंगे, कंफर्टेबल लगेंगे तो हो सकता है आपको ना लगें, या अगर कुछ हेडफोन्स आपको कंफर्टेबल लगेंगे तो हो सकता है आपके दोस्तों को ना लगें। चलो मैं अपनी बात करता हूँ। मुझे लगता है कि जो इसका क्लैंपिंग फोर्स है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे। वैसे इतना भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इससे भी ज़्यादा टाइट मैंने हेडफोन्स देख रखे हैं, उतना टाइट नहीं है पर फिर भी जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए उससे थोड़े से ये टाइट लगते हैं। तो अगर आपका सिर बड़ा है तो डेफिनेटली आपको ये थोड़े से टाइट लगेंगे और हो सकता है कि 5-10 मिनट में आपको ये अनकम्फर्टेबल लगने लगें। तो अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। तो ये हेडफोन्स नॉर्मली रेंज करते हैं 1000 से 1200 के बीच में अमेज़ॉन पर कई बार सेल के दौरान ये आपको 500 रुपये में भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये 500 रुपये में मिल गए हैं तो बहुत अच्छी डील आपके लिए हुई है, पर अगर आपको ये 1200 रुपये में मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से शायद इससे बेटर हेडफोन्स भी आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक रिव्यू अमेज़ॉन बेसिक्स के हेडफोन्स के ऊपर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।